नमस्कार, मैं आकांक्षा परिहार, स्वागत है आपका हमारे पहले एपिसोड वक्त के साथ इस दिन का इतिहास में। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाएंगे इतिहास से जुड़े कुछ किस्सों से। आइए नजर डालते हैं 1 फरवरी के इतिहास पर। आज ही के दिन 2003 में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के साथ हुई आपदा में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। शटल को पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के दौरान आग लगने से शटल विघटित हो गई। इस घटना में शटल पर सभी 7 चालक दल के सदस्यों के साथ पूरा शटल तबाह हो गया। नासा द्वारा की गई जांच में बाद में पता चला कि अंतरिक्ष शटल के प्रक्षेपण के दौरान फोम इंसुलेशन की एक पीस गिरी थी, जिसकी वजह से शटल के बाएं पंख को चोट लगी। इस घटना को छोड़ दिया गया था क्योंकि पिछले कुछ प्रक्षेपणों में भी इंसुलेशन के टुकड़े गिरते देखे गए थे, लेकिन इंजीनियरों को बाद में पता चला कि शटल के बाएं विंग में विमान को काफी नुकसान पहुंचा और अनुमान लगाया गया कि एल्यूमिनियम हिट इंसुलेटर टाइल के नुकसान से पूरे शटल में एक हद तक तापमान बढ़ने के साथ आग लगी और शटल जलने लगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण वाकया अपेक्षित मिशन समापन समय से ठीक 16 मिनट पहले हुआ था। आज ही के दिन भोपाल गैस त्रासदी पर फैसला हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी सबसे खराब औद्योगिक आपदा थी जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण जो घटना हुई उसके परिणाम स्वरूप 10,000 से अधिक लोग मारे गए। UCIL यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक प्लांट ने एक रिसाव विकसित किया जो इस दुस्वप्न का कारण बना। धीमी न्यायिक प्रगति और अनिश्चित औद्योगिक कानूनों ने 1 फरवरी को इस मामले के संबंध में UCIL पेस्टिसाइड प्लांट के CEO वॉरेन एंडरसन को भगोड़ा घोषित करने में 8 साल का समय लिया। 1 फरवरी 1887 को हॉलीवुड आधिकारिक तौर पर पंजीकृत हुआ था। 1 फरवरी 1887 को हार्वे विलकॉक्स ने लॉस एंजेलिस काउंटी रिकॉर्डर कार्यालय के साथ आधिकारिक तौर पर हॉलीवुड को पंजीकृत किया था। 1 फरवरी 1984 को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का पहला भाग प्रकाशित हुआ था। 1 फरवरी 1884 को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का पहला भाग, जिसे अभी तक अंग्रेजी भाषा का सबसे व्यापक और सटीक शब्दकोश माना जाता है, प्रकाशित हुआ था। आज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 500,000 से अधिक शब्दों के अर्थ, अतीत, वर्तमान, इतिहास और उच्चारण पर निश्चित आधिकारिक पुष्टि करती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम कल फिर से इसी वक्त इसी शो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए वक्त इंडिया। नमस्कार।